जय माता दी। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और गोभी की सब्जी। कम तेल कम मसाले में बिल्कुल परफेक्ट तरह से बिना फ्राई के हम बनाएंगे आलू और गोभी की सब्जी। तो इस तरीके का गोभी और आलू की सब्जी आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही अच्छी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार होते हैं। तो सो गाइस, अब हम चलते हैं बनाने की ओर। तो यहाँ पे हमारे आलू और गोभी है, दो मीडियम फूल के गोभी हैं और आलू 500 ग्राम। अच्छे से हम काट के धो लेंगे इनको। तो उसके बाद हम यहाँ तेल में एक चम्मच जीरा डाल दिए हैं। जीरा हमारा जब चटक जाएगा तो उसमें हम कटे हुए बारीक दो प्याज डालेंगे। दो बारीक प्याज कटे हुए डाल के इसको अच्छे से ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। तो इस तरह से हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिक्स मसाला गरम और एक चम्मच धनिया के पाउडर हम डाल के इसमें मसाले को अच्छे से भूजेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम मसाले को भूजेंगे और बीच में भी हम जो भी हमारे पास सामान है ऐड करते रहेंगे। तो हम मसाले में कटे हुए दो मीडियम साइज के टमाटर डाल दिए हैं। तो आपको टमाटर पसंद हो तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से हम भूजेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे हम तीखे मिर्च के पाउडर डाल रहे हैं। तो आप चाहे हरे मिर्च भी यूज कर सकते हैं, पर हम लाल मिर्च यूज यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ अलग हमारा रेसिपी तैयार होगा। तो अब हम मसाले को अच्छे से भूजेंगे जब तक तेल न छोड़ने लगे और महकने न लगे हमारा मसाला। तो यहाँ पे हम एक चम्मच स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डाल दिए हैं ताकि थोड़ा हमारा टमाटर भी गल जाए और बढ़िया से हमारा मसाला तैयार हो। तो मसाले हमारे अच्छे से तेल भी छोड़ने लगे गाइस। तो यहाँ पे हम कटे हुए गोभी और आलू को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो एक मिनट तक अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करके भूज ले थोड़ा। एक मिनट तक इस तरह से भूज ले मसाले में गोभी और आलू को। उसके बाद हमें ग्रेवी अनुसार इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपको पानी इसमें ग्रेवी रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। अगर पूड़ी या रोटी से खाना है तो आप उस हिसाब से ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। अगर चावल से भी खाना है तो उस हिसाब से भी आप ग्रेवी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे पानी और अपने स्वाद अनुसार हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो आपको जिस तरह से खाना है, चावल से खाना है तो उस हिसाब से पानी यहाँ पे यूज करें, और रोटी पे या पूड़ी से खाना हो पराठे से तो उस हिसाब से ग्रेवी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इनको ढक देंगे। ढक करके अच्छे से पकाएंगे। अब बीच बीच में चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो गाइस, अब हम यहाँ पे खोल चेक करेंगे क्या हमारा सब्जी कैसा हो गया है, इसमें पका नहीं तो हम चेक करेंगे। तो अभी हमारा सब्जी पका नहीं हुआ, अभी हम और ढक के पकाएंगे। तो फिर से हम थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए हम फिर से इनको ढक करके पकाएंगे। तो दो बार में सब्जी हो जाते हैं। हम फिर से ढक के इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक लगभग। तो भाई, आलू कच्चा है तो होने में थोड़ा समय लगता है। तो अब हम फिर से खोल के चेक करेंगे। तो गाइस देखिए, इस तरह से हमारे कुछ सब्जियां हो चुकी हैं। तो हम चेक करेंगे इस तरह से। तो गाइस, आलू अगर हो गए तो आपकी गोभी भी पक जाएंगे। तो
आलू हमारे हो गए तो गोभी भी हमारे पक चुके हैं। तो बिल्कुल मज़ेदार रेसिपी सिंपल तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी है। तो कई प्रकार से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाए जाते हैं, तो हमारा इस तरीके का सब्ज़ी है। तो इस तरीके से भी आप सब्ज़ी बनाएं और सिंपल तरीके से डेली जो लोग खाते हैं उस तरह से आप सब्ज़ी को बनाकर खा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास हरे धनिया हो तो धनिया को डाल लें, या आपके पास कसूरी मेथी हो तो उनको डाल सकते हैं ताकि अच्छे से खुशबू निकले हमारी सब्ज़ी में। तो बिल्कुल इस तरह के हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। सो गाइस, तो आई हो अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, और हम चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी दबाओगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।